न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में साइड मांगने से युवक पर हमला। नागपुर में फोर्थ मीट से 50 सड़कों का किया डामरीकरण। दोपहिया सवार महिला की कार की चपेट में आकर मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में साइड मांगने से युवक पर हमला। नागपुर में साइड मांगने से युवक पर हमला करके जख्मी कर दिया। यह वारदात बजाज नगर थाने के तहत हुई। जख्मी मुगराज सिंह मुनिराज सिंह सेंगर 30 वर्ष श्रीहरि नगर के है। सेंगर निजी कंपनी में मैनेजर है। वह 30 मार्च को अपने साथी विक्रम सिंह राठौड़, सुधीदेवी प्रसाद चौबे और मनोज लाखोरकर के साथ कार से मोर्शी गए थे। काम खत्म होने के बाद तड़के 3 बजे शंकर नगर चौक पहुंचे थे। वहां नाश्ता करने के बाद लौट रहे थे। उनके सामने से एक काले रंग की कार खड़ी थी, उसमें 2 युवक सवार थे। सेंगर द्वारा हॉर्न बजाने के बाद भी चालक ने कार नहीं हटाई। सेंगर कार रिवर्स लेकर आगे बढ़ने लगे। वह चालक को साइड नहीं दिए जाने को लेकर सवाल करके चले गए। सेंगर गांधीनगर की दिशा में जाने लगे। उन्हें पीछे से मर्सिडीज और एक अन्य कार में 7-8 युवक पीछा करते हुए दिखाई दिए। हिंगना टोल प्लाजा के पास दोनों कार ने सेंगर को रोका। सेंगर को कार से बाहर निकाल कर गालियां देते हुए हॉकी स्टिक तथा बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिया। इसी दौरान सेंगर की चेन भी गिर गई। उन्हें जख्मी करके हमलावर फरार हो गए। सेंगर की शिकायत पर बजाज नगर पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में हॉट मिक्स से 50 सड़कों का किया डामरीकरण। मनपा हॉट मिक्स विभाग काम कर रहा है, फिर भी विभाग की तरफ से शहर की सड़कों के गड्ढे के साथ ही डामरीकरण का काम भी किया जा रहा है। विभाग की तरफ से 50 सड़कों का डामरीकरण किया गया, जो कि 8,250 मीटर लंबाई की सड़क, कुल 42,096 वर्ग मीटर के हिस्से की सड़क का डामरीकरण हुआ। मनपा को स्वच्छ सुंदर बना रिटेक। मनपा के द्वारा नागपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने में विभाग का अहम भूमिका निभा रही है। विभाग की तरफ से सड़कों का डामरीकरण कर करोड़ों रुपए बचाने का काम किया जा रहा है। मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी और मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड़ के मार्गदर्शन में हॉट मिक्स विभाग ने शहर की डामरीकरण का निर्णय लिया। हर जोन की 10 सड़कों के डामरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से आधे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। उन 50 सड़कों का काम पूरा हो गया है, जब प्रभाग 50वीं सड़क चीज भवन घाट पर डीपी रोड के तौर पर शुरू किया जा रहा है। ज्ञात हो कि हॉट मिक्स विभाग में वर्षों पुरानी आउटडेटेड हो चुकी वाहनों से काम चलाया जा रहा है। डामर की आपूर्ति भी बार बार बाधित हुई। 5 नए टिप्पर मिलेंगे। हॉट मिक्स विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय डहाके ने बताया कि अगले सप्ताह टाटा कंपनी की तरफ से खरीदी गई 5 टिप्पर विभाग को मिलेगी। इसके साथ ही विभाग के काम में और गति आ सकेगी। नए वित्त वर्ष में हॉट मिक्स प्लांट बनाने और नई मशीनरी खरीदने का लक्ष्य है। इसके लिए विभाग की तरफ से 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभाग को समृद्ध बनाकर गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही चकाचक बनाने का संकल्प लिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दोपहिया सवार महिला की कार की चपेट में आकर मौत। दोपहिया सवार महिला की मौत हो गई है कार के चपेट में आने से। मृतक गांधीबाग निवासी 30 वर्षीय फैजिया आफरीन है। आफरीन 27 मार्च की दोपहर दोपहिया पर सवार होकर अजनी के मानेवाड़ा मार्ग से जा रही थी। अज्ञात लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। आफरीन का मेडिकल में उपचार चल रहा था। 2 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। अजनी पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्वीट कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है एमएनएस न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।